इसमें हूँ राजगढ़ और आप देख रहे हैं ETC वर्ल्ड चैनल। मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि इंडियन एयरफोर्स XY का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर तो हो ही चुका था, बट वो खुलने रहा था उसका वेबसाइट, बट अब खुल रहा है। तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल दूंगा, यानी कि दिखाऊंगा कि किस तरह से रिजल्ट बना है, कैसे देखना है। रिजल्ट अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं रिजल्ट देखने के विषय में बताऊंगा आपको, कैसे देखना है आपके फोन में या अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में, मैं उसके विषय में बताऊंगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप वहां जाके उस पर क्लिक कीजिएगा, तो जहां से मैंने रिजल्ट देखने का आपको बताऊंगा, जस्ट आप उस पेज पे चले जाइएगा। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब का बटन है, आप यहाँ पर उनका सब्सक्राइब लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो चलाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जाए और आप उसे आसानी से देख पाओ। नॉर्मली क्या करना है आपको दोस्तों, सरकारी रिजल्ट को हम खोलना, जैसे खोलते तो यहाँ पे देखिए ऊपर पे लिखा हुआ आता है, यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ था, रिजल्ट के नीचे थोड़ा सा आइएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप रिजल्ट 2018। आप इस पर क्लिक करिएगा तो एक इस तरह का इंटरफेस खुलता है, और स्क्रॉल नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड रिटर्न एग्जाम रिजल्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलता है इस टाइप का, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड दिया जाता है। ईमेल आईडी और पासवर्ड आप जिसमें फॉर्म भरे होंगे इसमें बिल्कुल मांगता है, तो जिसमें आप भी दिए होंगे तो बिल्कुल आप, जैसा कि मैंने जिस कैंडिडेट का निकाल रहा हूँ मैं उनका डाल देता हूँ और चेक करता हूँ आपको कैसे चेक किया जाता है। कि मैंने दोनों चीज़ें तीनों चीज़ों भर लिया है, यहाँ पे मेल आईडी दे दिया मैंने, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे ये कैप्चा, और यहाँ पे साइन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ देखिए इस तरह से रिसिप्ट खुलता है, जैसा कि आप फॉर्म भरने वक्त आपको इस तरह का पांच ऑप्शन आता था, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्ट सिटी, मेक पेमेंट, PBU एंड प्रिंट एप्लीकेशन, और फिर जब आपका एडमिट कार्ड था उस समय एडमिट कार्ड पे कार्ड था प्रिंट, अब यहाँ दिया हुआ व्यू रिजल्ट, आप मुझे रिजल्ट देना, व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर दे। जैसे इस पर क्लिक करते देखिए इस तरह का एक इंटरफेस खुलता है, जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट्स, यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट मिनिमम पास जो कितना है, मतलब किस चीज़ में आपको पास होना था, और ये रही बात XY, आप यहाँ पे दिया हुआ नंबर इंग्लिश चाहिए था पास होने के लिए, देखिए यहाँ पे दे रखा है मिनिमम पास, यहाँ पे 10 था, 10 सब में 10, और इसमें 10 था, इनको 7 आया हुआ है, 9 आया है, फिर 9 आया है, फिर एक में इनको, देखिए इसमें था क्या कि आप एक चीज़ में इस तरह से एक नंबर आया है, तो कुछ नहीं इसी का नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मिनिमम 10 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, फिजिक्स मैथ और रैंक दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको कितना कितना मतलब लाना था, और क्या मतलब कि जो भी है टोटल मार्क्स जो थे तो इस तरह से आपको क्वालिफाई करना था। जैसा कि मैं आपको दिखा के दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए इस तरह से रिजल्ट जो है यहाँ पे ऋषिकेश कुमार का था, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर Phase 2, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, समझे, यहाँ पे दोनों में ये नहीं मतलब शॉर्ट लिस्टेड में नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो मैं जो है कि इस पेज का लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको आसानी पड़ेगा आप देख पाइएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।